हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना की तीन विधियां हम देख रहे हैं। पहली उत्पादन गणना विधि, दूसरी आय विधि और तीसरी व्यय विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन गणना प्रणाली। इस विधि को औद्योगिक उद्गम प्रणाली या सूची गणना प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्यों को जोड़ लगा लिया जाता है। जोड़ लगाते समय दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही और विस्तृत सम्मक उपलब्ध नहीं होते हैं। और दूसरी बात है, इसमें यह मालूम करना भी मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है। इस विधि को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले उत्पादन विधि देख सकते हैं। उत्पादन विधि में हम लोग सबसे पहले उत्पादन उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण करते हैं। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले उन उत्पादक उद्यमों की पहचान की जाती है जो उत्पादन करते हैं। इनको तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर। फिर दूसरी चीज, हम लोग उत्पादक का वर्गीकरण करते हैं। राष्ट्रीय उत्पादक का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जा सकता है। पहला है उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, और दूसरा होता है पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन या सकल निजी पूंजी निर्माण, और तीसरी चीज है सरकार द्वारा उत्पादन। अब उत्पादन के मूल्य का माप हम दो विधि से कर सकते हैं। पहली होती है अंतिम उत्पाद विधि और दूसरी होती है मूल्य वृद्धि विधि। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अंतिम उत्पाद विधि, फाइनल आउटपुट मेथड। इस विधि के अंतर्गत हम निम्न प्रकार से अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले उत्पादन का मूल्य मापने के लिए प्रत्येक उत्पादक उद्यमी को भौतिक उत्पादन के मूल्यों को उचित बाजार कीमतों से गुणा किया जाता है। मतलब प्रत्येक उद्यमी के द्वारा जो भी भौतिक उत्पादन किया जाता है उसको बाजार कीमतों से गुणा किया जाता है। फिर दूसरी बात में हम जो मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य जो भी उद्यमियों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए भुगतान किया जाता है उसका अनुमान लगाया जाता है। उसके पश्चात हम तीसरी बार स्थायी पूंजी का उपभोग या घिसावट का अनुमान उससे संबंधित नियमों तथा अधिनियमों के अनुसार लगाते हैं। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को ज्ञात कर लिया जाता है। किसी राष्ट्र की घरेलू सीमा में होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ लें तो हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन घिसावट व्यय को घटा दिया जाए तो हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय इसे कहते हैं वो प्राप्त हो जाती है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय ज्ञात किया जा सकता है। तो इस विधि से सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए हम उत्पादन को इस प्रकार से शामिल करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, इसके अंतर्गत चालू वर्ष में उत्पादित अंतिम उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे दूध, मक्खन आदि, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे पंखा, टीवी, कार आदि
तथा तीसरा सेवाओं को मूल्य को शामिल करती हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हम पुरानी वस्तुओं और गैर कानूनी उत्पादन के मूल्य को शामिल नहीं करते। फिर दूसरा इसमें हम देखते हैं पूंजीगत वस्तु का उत्पादन, या इसे दूसरे शब्दों में हम सकल निजी निवेश भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा देश में किया गया स्टॉक इन्वेस्टमेंट और स्थायी पूंजी निर्माण दोनों को शामिल किया जाता है। तीसरी चीज होती है सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। इसके अंतर्गत हम सरकार के द्वारा जो भी अंतिम वस्तु जैसे रेल, सड़क, पुल, नहर आदि तथा सेवाएं, सेवाओं के अंतर्गत जैसे शिक्षा, पुलिस, कानूनी व्यवस्था आदि पर किया गया व्यय शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन क्षेत्र हो गए, एक उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन हो गया, दूसरा पूंजीगत वस्तु का उत्पादन हो गया और तीसरा सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो गया। तो एक दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें मैंने भी चर्चा की थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। तो इसके अंतर्गत दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए या तो केवल हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इसमें शामिल करते हैं, और इसकी एक तरीका ये हो सकता है कि अंतिम वस्तु का मूल्य किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो उत्पाद की जो वैल्यू ऑफ दी आउटपुट है उसमें से हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा देते हैं, या दूसरे शब्दों में केवल अंतिम वस्तुओं को इसके अंतर्गत हम शामिल करें। और एक मूल्य वृद्धि मेथड भी हम अपना सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। कि मूल्य वृद्धि से अभिप्राय क्या है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म या उत्पादन इकाई द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है उसको हम लोग मूल्य वृद्धि करते हैं। तो मूल्य वृद्धि नापने के लिए प्रत्येक उद्योग द्वारा अन्य उद्योगों से खरीदे गए कच्चे माल या अन्य वस्तु और सेवाओं के किए गए उत्पाद को उत्पादन की संपूर्ण जंजीर की दूसरी कड़ी को हस्तांतरित करने से पहले उनके मूल्य में वृद्धि करना ही है। या दूसरे शब्दों में मूल्य वृद्धि क्या है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। तो ये वैल्यू एडेड मेथड अपना कर भी हम क्या कर सकते हैं, दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। फिर दूसरी जो विधि है वो है आय की गणना प्रणाली। इसके अंतर्गत देश में विभिन्न वर्गों की अर्जित आय को जोड़ लिया जाता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध शुद्ध आय की गणना की जाती है। इस प्रणाली में देश के सभी नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है। ये मैंने बताया है निम्नलिखित भुगतानों का योग ही राष्ट्रीय आय होती है, जैसा लिखा हुआ है मजदूरी एवं परिश्रम, स्वनियुक्त आय, सेल्फ एम्प्लॉयड आय, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, लाभांश, ब्याज, अतिरिक्त लाभ, लगान और किराया, सरकारी उद्यमों के लाभ, विदेशों से साधनों की शुद्ध आय। तो इसके अंतर्गत हम जो आय मिलती है विभिन्न प्रकार से उन सबका जोड़ कर लेते हैं, तो हम इसे आय विधि कहते हैं। तीसरी जो विधि है व्यय की गणना प्रणाली। इसके अंतर्गत एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यय के कुल प्रभाव को, कुल व्यय प्रभाव को हम का योग कर लेते हैं। तो आप देखिए ये टोटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है आप लोगों को, इज इक्वल टू टोटल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यक्तिगत उपभोग व्यय, ये बताया था, प्लस ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सकल या कुल घरेलू निजी निवेश, प्लस गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय, प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शुद्ध विदेशी निवेश। ये किसके बराबर होगा, कुल निर्यातों में से हम आयातों को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध विदेशी निवेश प्राप्त हो जाता है। तो अंतिम व्यय के अंतर्गत मैंने बताया आप लोगों को ये सब चीज़ें। अंतिम उपभोग व्यय में हम वो भी देख लेते हैं
निजी अंतिम उपभोग व्यय वस्तुओं पर, कौन से वाले जो पेरिशेबल गुड्स हैं उन पर क्या किया जा रहा है, और जो टिकाऊ वस्तु हैं उन पर क्या किया जा रहा है। और निवेश के अंतर्गत हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण देख लेते हैं और साथ में स्टॉक में परिवर्तन इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। और सरकार के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम व्यय किया जाता है उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग कि हम इन तीनों मेथड से जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो तीनों बराबर होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू राष्ट्रीय व्यय, ये तीनों चीज़ बराबर होती है। इसी प्रकार से एक सामाजिक लेखांकन प्रणाली है जिसके अनुसार भी हम इसको देख सकते हैं। इस विधि के अनुसार संपूर्ण समाज में लेन देन करने वाले को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ये वर्ग उत्पादक, व्यापारी, अंतिम उपभोक्ता आदि के रूप में होते हैं। इस विधि का प्रतिपादन आर्थिक मंदी के पश्चात अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है और यह विधि राष्ट्रीय आय गणना की नवीनतम विधि मानी जाती है। और इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से विकसित राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे बड़ी कठिनाई डबल काउंटिंग की है, दोहरी गणना की है। अर्थात दोहरी गणना का मतलब है एक ही उत्पादन को हम दो बार गिन लेते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र का उत्पादन ही दूसरे क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में काम आता है, जिसके कारण हमारे लिए ये निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि किस क्षेत्र का उत्पादन अंतिम उत्पादन है। कई बार अंतिम वस्तु का निर्धारण नहीं हो पाता, जिसके कारण भी उत्पादन को राष्ट्रीय आय गणना में करने में परेशानी होती है। जैसे कागज, यदि हम लोग कागज ऑफिस में काम ले रहे हैं तो वो अंतिम उत्पादन है, लेकिन कोई किताब पब्लिश करने वाला कागज का उपयोग कर रहे हैं तो वो कौन सी वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में हमें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का निर्धारण करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर स्व उपभोग एवं वस्तु विनिमय प्रणाली, आप जानते हैं कि हमारे देश में जैसे किसान उत्पादन करते हैं तो अनाज का कुछ भाग वो अपने उपभोग के लिए भी रख लेते हैं, अर्थात जो सारा उत्पादन है वो बस वो बेचने के लिए बाजार में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन वो स्व उपभोग स्व सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने से वंचित हो जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो कीमत स्तर में परिवर्तन, कीमत स्तर में परिवर्तन से भी राष्ट्रीय आय की गणना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आधार वर्ष की सापेक्ष राष्ट्रीय आय का समायोजन करना पड़ता है और सही आधार वर्ष का चुनाव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है विश्वसनीय समकों का अभाव। भारत जैसे विकासशील देश में विश्वसनीय समक रिलायबल स्टेटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, पूरे डेटा वगैरह नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे हम पूरी सूचना प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए भी राष्ट्रीय आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विशिष्टीकरण की कमी, अर्थविकसित देशों में विशिष्टीकरण की समस्या भी एक प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि अधिकांश छोटे छोटे किसान और मजदूर कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं। जैसे किसान जब खेती नहीं करता है तब कहीं जाके मजदूरी करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ विशिष्ट सेवाएं भी राष्ट्रीय आय का मापन करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। जैसे एक नर्स अस्पताल में सेवा कर रही है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, लेकिन घर पर यदि वो सेवा कर रही है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो ये भी एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया, गैर मौद्रिक क्षेत्र पाया जाना, विश्वसनीय आंकड़े नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन नहीं कर पाते। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आय का महत्व, कि राष्ट्रीय आय का हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में क्या महत्व है। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय आय है वो आर्थिक प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही हम किसी देश की आर्थिक प्रगति या आर्थिक विकास को माप सकते हैं। तो
आर्थिक प्रगति की दर क्या होगी, डेल्टा वाई अपॉन वाई। डेल्टा वाई मतलब है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और वाई है प्रारंभिक राष्ट्रीय आय। तो हमारी राष्ट्रीय आय जितनी तेजी से बढ़ेगी इसका मतलब हमारा देश उतनी ही तेजी से विकास कर रहा है। फिर राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आय का भारत में मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है। फिर ये भी देखते हैं कि कौन से क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ रहा है, कौन से का कम हो रहा है, उसके आधार पर भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की देश कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्धारण, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर हम अपना प्लानिंग बना सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कौन से क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम्स है, उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। इन सबको देख कर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पॉलिसी में चेंजेज करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय टैक्सेबल कैपेसिटी व्यक्ति की करदान क्षमता का आधार भी राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वहाँ के निवासियों की टैक्सेबल कैपेसिटी कर देने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय है उसका हमारे आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी योगदान है, उसके आधार पर हम काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नीति बना सकते हैं और कोई भी चेंज पॉलिसी में करना होता है वो हम लोग कर सकते हैं। दो देशों की तुलना कर सकते हैं, कौन सा देश अधिक विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, विभिन्न क्षेत्रों की आपस में तुलना कर सकते हैं और कहाँ पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद, कल हम लोग राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे।